अच्छा यार, मेरे साथ कुछ ग्रेजुएशन यहाँ जो कर रहे हैं स्टूडेंट वो मौजूद हैं, तो उनसे रिव्यूज़ लेंगे, उनसे पूछेंगे कि जो कैसा एक्सपीरियंस उनका रहा एडमिशन लेने के लिए, जो भी आपके क्वेश्चन हैं वो उनसे पूछेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। नाम सर का? मेरा नाम तिकुर रहमान है। क्या कर रहे हैं आप यहाँ? मैं यहाँ से BS कर रहा हूँ। अच्छा, BS कर रहे हैं। अच्छा सर, आपसे पूछना था कि काफ़ी बच्चों का ख्वाब होता है इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का, लाइक एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है लाहौर के अंदर, तो मुझे बताइएगा कि यहाँ एडमिशन लेना कितना मुश्किल है कितना आसान है? देखें, अगर BS की बात की जाए ना, तो यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए पिछले 2 साल से इन्होंने कर दिया हुआ है एंट्री टेस्ट, 2-3 साल से कर दिया हुआ है, 3 साल से एंट्री टेस्ट कर दिया हुआ है। पहले होता था कि मेरिट सिस्टम होता था, यानी कि स्टूडेंट्स मार्क्स लेके आएँ, सिंपल मेरिट पे आएँ और एडमिशन हो जाता था। सही। लेकिन अब मार्क्स भी देखे जाते हैं, साथ एंट्री टेस्ट होता है। सही। एंट्री टेस्ट इनका इतना डिफिकल्ट नहीं होता, यानी कि वही होता जो इंटर और आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है। सही। और एंट्री टेस्ट के बाद इनका फिर क्राइटेरिया होता है कि इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू बहुत सख्त होता है इनका। इंटरव्यू के बाद स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है BS के अंदर, जैसे वो BS के लोग का उसका अलग क्राइटेरिया है। ठीक। अच्छा, एक बच्चा है जो इंटर करके आया है, क्या उस मेरिट कितना होता है यहाँ का, कितना उसके नंबर होने चाहिए वो यहाँ एडमिशन ले सकता है? मेरिट मैंने पहले भी कहा आपको कि मेरिट आप पहले देखा जाता था, मेरिट इतना नहीं देखा जाता, यानी कि वही होनी चाहिए मार्क्स आपके, फिर भी 70% से ऊपर ही हो, मतलब 70% से ज़्यादा, 75 पर ऊपर ही हो, लेकिन वो एंट्री टेस्ट मेन लगता है 30 मार्क्स का होता है, उसमें आपको गेन करने होते हैं कि 28-25, यानी कि वो स्टूडेंट्स के लिहाज से। ठीक है। जिस तरह के हमने लिया था, हमारी जगह 1400 आए थे और हम लोग सिर्फ 44-45 इतने सेलेक्ट हुए थे। ठीक है। यहाँ मेरिट पे ही होता है या कोटा बेस पे भी? नहीं, वो भी होता है, GCU होल्डर आगे इनका अलग होता है, स्पोर्ट्स पर्सन का अलग होता है, हर चीज़ का अलग होता है, और दूसरों का और इसका ये भी है ना, इंटरव्यू कई कुछ स्टूडेंट्स एंट्रेंस पास कर लेते हैं लेकिन आगे इंटरव्यू पास नहीं होता, इंटरव्यू भी इनका बहुत सख्त होता है, इंटरव्यू भी पास करना होता है। मेन के अब यहाँ का जो एंट्री टेस्ट है मेन चीज़ वही है, एंट्री टेस्ट और इंटरव्यू। अच्छा जी। और नंबर जो आपके 70 से अबव हों तो हो जाता है? जी, हो जाता है। सही। अच्छा, यहाँ लेकिन अगर आपने लॉ में लेना है पॉलिटिकल, वहाँ पे तो बहुत मेरिट होगा, डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंट मेरिट होगा, क्यों वहाँ पे तो 98% बात आ जाती है। आप किस डिपार्टमेंट से हैं? मैं BS स्टैटिस्टिक्स से हूँ। स्टैटिक्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ की जो फीस होती है, फीस एक पर सेमेस्टर की जो एक नॉर्मल बंदे की या जो मेरिट पे आता है, उसकी इवनिंग की कितनी होती है और मॉर्निंग की कितनी होती है? बेसिकली मैं मॉर्निंग का हूँ, मुझे उसकी पता थी जब फर्स्ट सेमेस्टर में थी 63,000। ठीक है। तो अभी उसके बाद मैं 29,500 दे रहा हूँ, लेकिन जो अब जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनकी बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा होगी, क्योंकि मेरे ख्याल से आई थिंक 80,000 है, 80,000 से भाव ही होगी मॉर्निंग का, मुझे पता है। आप इवनिंग के स्टूडेंट से पूछ सकते हैं अगर आप। अच्छा, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू आपके टाइम का।